रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर वो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूँ कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखाते गए सबको। नहीं, मैं दूसरी बात, आपने जो बात है वो ठीक से समझी नहीं। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटी रुपए लेके जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान को फोकट में ही देना चाहिए। कि ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया तो उसकी कीमत थोड़े दिन में खत्म हो जाती है, फिर फायदा हो रहा है उससे भी ज्यादा हो सकता है। कि वही प्राणायाम मैं आपको फोकट में सिखा सकता हूँ, सबको मिलेगा। आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गांव गांव आप योग प्राणायाम पैसा लेके सिखाएंगे तो बहुत तकलीफ आएगी। कोई भी संत ने, भैया सुनो, कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। हमारे देश में संत की परिभाषा है कि जो 3 एषणाओं से मुक्त है, वित्तेषणा, उत्तेषणा, लोकेषणा, 3 एषणाएं होती हैं। एषणाएं माने लालच, पुत्र का लालच जिसको है वो संत नहीं है, पैसे का लालच जिसको है वो भी संत नहीं है, और नाम सम्मान मिले उसका लालच है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं वो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूँ कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। जिस दिन आप निःशुल्क शिविर लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि आप संत हैं, क्योंकि आपने जिस गुरु से सीखा उसने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आप कैसे शुल्क ले रहे हैं किसी ज्ञान के लिए? ये तो ज्ञान को बेचना हुआ, और ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोई भी संत को पैसा लेना ये बहुत बड़ा पाप है। संत के लिए तो है कि पैसे को छूना भी नहीं, क्योंकि उससे ऐषणा पैदा होती है, लालच, और उनका लालच पता है कितना बड़ा है। 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। पहले जब वो निकले थे योग प्राणायाम सिखाने तो कहते थे 100 कोटि आएगा तो बस, अब 100 कोटि से बहुत जास्ती आ गया, 600 कोटि आ गया, अब कहते 1000 कोटि आएगा तो बस। तो टाटा बिरला और रामदेव में अब क्या अंतर है? जबकि पतंजलि ऋषि ने योग प्राणायाम को बताया कि ये जीवन की सबसे आवश्यक ज्ञान है, इसलिए निःशुल्क मिलना चाहिए सबको, और उन्होंने उसका बिक्री शुरू कर दिया। अब पुणे में कोई गरीब आदमी कैसे सीखेगा योग प्राणायाम? वो तो 2500 रूपये की टिकट नहीं ले सकता, 5000 रूपये की, लेकिन बीमारी तो उसको भी है, बीमारी कोटिपति को भी है, गरीब को भी है, तो गरीब तो बीमारी से बाहर निकलेगा ही नहीं कभी। तो संत की परिभाषा जो है, जो 3 एषणाओं से मुक्त है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, पैसे का लालच नहीं, घर परिवार का लालच नहीं, और मान सम्मान का लालच नहीं, वो संत होता है। अब ढूंढो कौन है संत ऐसा, बाबा सातारकर है।